Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 9th August. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Keep on taking all the precautions which you have been taking, keep on following all the safety precautions. ठीक है, जो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, जो अपने बाकी भी जो भी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, वो आगे भी अभी हमें करते रहना है. ठीक है, अभी भी, क्योंकि वी कैन नॉट से कि दैट इट इज ओवर. अभी भी बहुत आने वाले काफी टाइम तक वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस. ओके चिल्ड्रन, वी हैव स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 8 विच इज वर्किंग विथ नंबर्स टिल 100. So here I am before you with one more video from this chapter. In this chapter children we have done the numbers from 51 to 100. ठीक है, 51 to 100 तक हमने numbers किया. I know that you all know the counting. सबको 1 से लेके 100 तक और maybe 100 से आगे तक की counting definitely आती होगी. 1 to 100 तो counting आती ही होगी. But what we have done is to सी, जो हमने मतलब किया है इस लेसन में कि हाउ डू द नेक्स्ट नंबर इज जनरेटेड, हमको नेक्स्ट नंबर कैसे मिलता है. जैसे 50 से 51, 52, 53, 54, 55, मतलब नेक्स्ट नंबर जो आता है तो वो कैसे आता है. सो वी नो दैट व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर, 1 टू एनी नंबर का मतलब है व्हेन वी ऐड 1 वंस. ठीक है, हम 1 वंस जो ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वी गेट द नेक्स्ट नंबर. ठीक है, तो 59, 60, 61, 62. सिमिलरली ऐसे करते करते टिल 99 ऑल द नंबर्स हैव टू प्लेसेस. 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स में सिंगल डिजिट है. सो 1 इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर. जैसे 1 से लेकर के 9 तक ऑल द नंबर्स हैव सिंगल डिजिट, वन डिजिट. ओके, सो 1, दिस इज द एस एम ए एल एल ई एस टी, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर. ठीक है, 1 इज द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट वन डिजिट नंबर एंड 9 इज द लार्जेस्ट एल ए आर जी ई एस टी, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर और वी ऑल्सो से सिंगल डिजिट नंबर. ठीक है, अभी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 एंड सो ऑन. तो 9 प्लस 1 इट इज 10. ओके, 9 प्लस 1 इज 10. सो 10 इज द एस एम ए डबल एल ई एस टी, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. ओके, 10 इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. 10 से हम काउंट करते करते वी रीच नंबर 99. 10 से हम कहां तक आते हैं, नंबर 99 तक. ओके, एंड 99 इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर एंड व्हेन वी ऐड 1 टू 99, हम 99 में जब 1 ऐड करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 100. सो 100 इज द एस एम ए डबल एल ई एस टी, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. ओके, 100 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. तो चिल्ड्रन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एक वंस हमने स्टार्ट किया, 9 तक आए, वी कीप ऑन एडिंग वन वंस. 9 में जब हमने 1 ऐड किया तो वी गेट 10 विच इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. ठीक है, 10 से काउंटिंग करते 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 वी रीच 99 एंड 99 में व्हेन वी ऐड 1 वी गेट 100. नो 99 इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर एंड व्हेन वी ऐड 1 टू 99 वी गेट 100 विच इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि लार्जेस्ट किसी भी इट इज सिंगल डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर और थ्री डिजिट नंबर, लार्जेस्ट में जब हम 1 ऐड करते तो वी गेट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट. जैसे ये 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है इसमें हमने 1 ऐड किया तो वी गेट स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. ठीक है,
फिर लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर में जब हमने वन ऐड किया तो वी गेट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, ऐसे जब आगे बढ़ते जाओगे, हंड्रेड से भी आगे हम काउंटिंग करेंगे तो हंड्रेड से आगे हम कहां पे पहुंचेंगे, 999 विच इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। बट वहां तक अभी मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज वी हैव टू डू टिल नंबर 100 ओनली। ठीक है, तो मैं यहीं पर रुकूंगी। सो वी हैव डन नंबर 100 इन द प्रीवियस क्लास कि हाउ डू वी गेट नंबर 100। ठीक है, 100 हमें कैसे मिलता है, 100 दैट इज 99 प्लस 1, तो 99 दैट इज 9 10s and 9 9s, ये मैंने प्रीवियस क्लास से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसलिए जस्ट एक बार ओरल रिवाइज कर रही हूँ। 99 is 9 10s and 9 9s। ठीक है, उसमें जब हमने 1 ऐड किया तो 9 10s and 9 1s and 1 1, सो दैट इज 9 10s and 10 1s, 10 1s is 1 10, तो 9 10 plus 1 10 दैट इज 10 10, सो वी गेट नंबर 100। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, आफ्टर दैट वी डिड राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम 51 to 100। तो राइटिंग प्रैक्टिस 51 to 100, काउंटिंग सबको मालूम है तो आप आगे नंबर्स भी लिख सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट विथ रिवर्स काउंटिंग टूडे। ऑफकोर्स इन द प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विथ दिस बट टाइम नहीं था तो बीच में हमें रोकना पड़ा। आई विल स्टार्ट दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, सो टूडे वी विल बी डूइंग रिवर्स काउंटिंग फर्स्ट। इसको अब मैं इरेज कर रही हूँ, रिवर्स काउंटिंग। ठीक है, R E V E R S E reverse C O U N T I N G reverse counting from 100 to 1, reverse counting from 100 to 1। Now what do we mean by reverse? Reverse का मतलब क्या है? Reverse माने पीछे आना, जैसे कार में होता है ना रिवर्स गियर होता है, कार में फोर व्हीलर में गियर होते हैं, तो जैसे आगे जाने के लिए हम फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर फोर्थ गियर चेंज करते हैं, जैसे जैसे गियर चेंज करते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है कार की। रिवर्स गियर मतलब जब कार को हमें पीछे लाना होता है, रिवर्स करना होता है, तो हम रिवर्स गियर लगाते हैं फोर व्हीलर में। तो रिवर्स मीन्स टू कम बैक, टू मूव बैक। फॉरवर्ड काउंटिंग जैसे हमने अभी राइटिंग प्रैक्टिस किया 51 to 100, सो दैट इज फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब आगे बढ़ना, एंड रिवर्स काउंटिंग इज बैकवर्ड काउंटिंग। जो हम सब्ट्रैक्शन में बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, दैट इज वी काउंट बैकवर्ड्स, सो दैट इज रिवर्स काउंटिंग। एडिशन जब हम करते हैं, व्हेन वी ऐड टू और मोर देन टू नंबर्स, देन वी डू फॉरवर्ड काउंटिंग, क्योंकि इन एडिशन वी आर ब्रिंगिंग द नंबर्स टूगेदर और वी आर ब्रिंगिंग द थिंग्स टूगेदर। बैकवर्ड काउंटिंग सब्ट्रैक्शन में व्हाट डू? वी टेक अवे सर्टेन नंबर फ्रॉम द टोटल, मतलब जो भी टोटल नंबर है उससे हम कुछ निकाल लेते हैं, सो दैट इज नंबर रिड्यूस हो जाता है, नंबर कम हो जाता है। सो इन सब्ट्रैक्शन व्हाट डू? वी मूव बैक, पीछे मारते हैं। टोटल में तो सब एडिशन में टोटल होता है तो हमें टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स विच आर एडेड। टू नंबर्स को हमने ऐड किया, थ्री नंबर्स को ऐड किया, जितने भी नंबर्स को ऐड किया जो टोटल आएगा दैट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑल दीज नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में हम टोटल नंबर में से वी टेक अवे समथिंग, सो दैट इज वी मूव बैकवर्ड। हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। सो रिवर्स काउंटिंग दैट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 100 वी विल कम टू 1। फॉरवर्ड काउंटिंग होगी तो 1 से स्टार्ट करके 100 तक जाएंगे, दिस इज रिवर्स काउंटिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 100 वी विल स्टार्ट फ्रॉम 100। ओके, नाउ 100 से स्टार्ट करके इन बिटवीन यू विल सी, सो चिल्ड्रन दिस इज पेज नंबर 85 और इन न्यू एडिशन इट इज 86। ठीक है, पेज नंबर इन माई बुक, सिंस माई बुक इज ओल्ड एडिशन सो इट इज पेज नंबर 85, इन योर बुक न्यू एडिशन में इट वुड बी पेज नंबर 86। ओके, सो फिल इन द प्लेस होल्डर्स टू कंप्लीट द काउंटिंग। ओके, द क्वेश्चन इज फिल इन द पी एल ए सी ई प्लेस होल्डर्स, फिल इन द प्लेस होल्डर्स टू सी ओ एम पी एल ई टी ई टू कंप्लीट काउंटिंग
counting counting from 100 to 1, ठीक है, 100 to 1, ठीक है. नो, स्टार्टिंग फ्रॉम 100, फ्यू नंबर्स इन बिटवीन, बीच बीच में कुछ नंबर्स जो है दे आर रिटन, ओके. सो वी हैव टू फिल इन द प्लेस होल्डर्स, मतलब नंबर्स जो बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं हमें वो नंबर्स लिखने हैं. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 100, देन 100 के बाद 95 इज गिवेन, देन एंड 91 इज गिवेन. ओके, पहले जितना बोर्ड पे मैं लिख सकती हूँ, फर्स्ट आई विल राइट एंड देन वी विल फिल अप द मिसिंग नंबर्स. देन 88 इज गिवेन, 86 इज गिवेन, 85 इज गिवेन, then 77 is given, 74 is given, 72 is given, 69 is given, 67, 66, 62 is given and 61 is given. So now let us write, let us first fill up these blanks. पहले ये वाले blanks fill up कर लें and then we will move ahead. फिर हम 60 से और पीछे आएंगे. Okay? Now let me take another marker. Now starting from 100. Forward counting में what do? We add 1 to a number to get the next number. ठीक है ना, फॉरवर्ड काउंटिंग दैट इज इफ यू हैव टू राइट फ्रॉम 1 टू 100. व्हाट डू वी डू, 1, 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 1, 5, 5 प्लस 1, 6 एंड सो ऑन, 99 प्लस 1 दैट इज 100. नाउ वी हैव रीच 100. अभी अब यू कैन से रिवर्स काउंटिंग इज राइटिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फॉरवर्ड काउंटिंग इज राइटिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 we have moved to 100. One से start करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, we have moved to 100. Okay? And then अब 100 तक तो आप पहुंच गए. 1 से लेकर के 100, इतने steps, 100 steps चढ़ करके ऊपर पहुंच गए, 100 तक mountain पे ऊपर पहुंच गए. Now you have to come down also. अभी 100 steps descend भी करनी है, ascend तो कर लिया. So ascending order में 1 से 100 तक लिख लिया numbers. Now you have to कम डाउन ऑल्सो. माउंटेन पे तो नहीं बैठे रहेंगे हम, हमें अब नीचे भी आना पड़ेगा. तो वी विल डिसेंड नाउ. तो जब डिसेंड करोगे तो सबसे पहले आप 100 स्टेप पे हो, फिर 100 से 99, 98, 97, एक 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 स्टेप नीचे आते जाओगे एंड देन फाइनली यू विल रीच 1. ओके, सो 100. सो इन रिवर्स काउंटिंग वी सब्ट्रैक्ट, इन फॉरवर्ड काउंटिंग वी एड 1 टू अ नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर. In reverse counting, we take away 1 from a number to get the previous number. हम next number नहीं बोलेंगे, हमें अगला number नहीं मिल रहा है, हमें उसके पहले वाला number मिल रहा है. So what do we say? We take away 1 from a number to get the previous number. Okay? हम उस number में से 1 निकालेंगे to get the previous number. So 100, 100 minus 1, 99, 98, 97, आई एम श्योर रिवर्स काउंटिंग भी सबको आती होगी, 97, 96, 95, 91 माइनस 1 दैट इज 90. फिर 90 से पीछे आएंगे,
89, 90 में से हमने 1 निकाल लिया तो वी विल गेट द प्रीवियस नंबर 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, ठीक है 81, देन 80, 81 में से वी टेक अवे 1, सो वी गेट 80, ठीक है ना 80, फिर 80 माइनस 179, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, ठीक है 71, देन 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61. So children, what do you observe? इसमें आप क्या देख रहे हो कि we are taking away 1 from each number. हर एक नंबर से हम 1 निकालते जा रहे हैं. We are getting the previous number. 100 minus 1, 99. 99 minus 1, 98. 98 minus 1, 97. 97 minus 1, 96. 96 minus 1, 95 and so on. So reverse counting, that means backward counting, that means we are taking away 1 from each number. So, right till 61, iske baad abhi hum then aage proceed karenge. Then we will start from 60 onwards. Itna aap likho yahan tak. If you wish, you can take a screenshot or वैसे इसमें screenshot लेने की जरूरत नहीं है because I know कि सबको reverse counting आती है. Everybody knows the reverse counting. So, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आई डोंट थिंक बट स्टिल इफ यू फील यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओके सो आई होप चिल्ड्रन एवरीवन हैज टेकन इट सबने लिख लिया अभी इसको मैं इरेज करती हूँ ओके इरेज करके एज अभी 61 तक किया अब आगे हम मूव करेंगे मैं पूरा नहीं इरेज कर रही हूँ आई विल जस्ट इरेज द नंबर्स जो लाइन्स बनी हुई है इनको मैं नहीं इरेज करती हूँ ओके आई विल जस्ट इरेज द नंबर्स इन बिटवीन वी हैव रिटन टिल 61 थोड़ा सा टाइम लगेगा बस लिटिल बिट ऑफ टाइम थोड़ा सा बस टाइम ठीक है चल हो गया फाइन 61 तक हमने अभी लिखा है वी हैव रिटन टिल 61 नाउ ठीक है 60 देन 60 56 55 then 50 48 48 then 7 48 then 47 46 45 45, then 44, 43, 42, and then 41,
देन 41 के बाद क्या आएगा, आफ्टर 41 कम्स, 41 के बाद क्या आएगा 40, 38, 37, 34, 32 and 31, then 31 के बाद आएगा 30, then 1 blank, 28, 27, 23, 22 and blank, okay? So, यहां तक हमने किया, अभी few numbers are still left, वो हम इसके बाद करते हैं. Now, first let us do complete these. 60, 67 हम जब पीछे फिर से backward आएंगे, तो 60 के बाद क्या आएगा? 60, 59, 58, ठीक है, 58, then 57, 56, 55, 54, 53, 52 and 51, ठीक है, 51, then 50 के बाद 59, 58, 57, 56, 55, 54, 43, 32, 31 and then 30, 29, 28, 27, then 26, 25, 24, 23, 22 and 21, okay? So, क्या ऑब्जर्व किया हमने, वी आर टेकिंग अवे वन फ्रॉम ईच नंबर टू मूव बैक, हम हर एक नंबर से वन लेते जा रहे हैं पीछे आने के लिए. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 32, 31, then 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 33, 32, 31, then 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, okay? 21 तक आ गए. Now we still have numbers from 20 till 1. तो अभी मैं यहां तक लिखे रहने देती हूँ, वी जस्ट नीड टू मोर लाइन्स, तो मैं इतना इरेज कर देती हूँ, ठीक है. आई जस्ट इरेज फर्स्ट टू लाइन्स, ठीक है. आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव रिटन, और ये आप लिख लोगे अपने आप, इसके लिए स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. नाउ 21 तक हमने लिख लिया. नाउ19, 15, 13, then 1 blank, then 10, 7, 4, 3 and 1, okay? Now, अभी इसको complete करते हैं 21.
20 में से 21 में सब 1 निकाल लोगे तो वी विल बी लेफ्ट विथ 20, 21 में सम 1 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा. सो दिस इज 20, देन 20 में से 1 निकाल लिया तो 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. ठीक है, कभी कोई इवेंट देखा होगा जैसे कभी रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है जैसे अभी ओलंपिक गेम्स हुए, हम बहुत जिसका बहुत ईगरली वेट करते हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी होना है या कुछ ऐसा फंक्शन है तो देखा होगा रिवर्स काउंटिंग करते हैं. ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जूम. जैसे रॉकेट लॉन्च जब करते हैं तो वो कभी भी 1, 2, 3, 4, 10 तक नहीं जाते, हमेशा रिवर्स काउंटिंग करते हैं 10 से जैसे 1 एंड बूम रॉकेट गया हवा में. ठीक है ना, सो यहां तक आपने देखा 21 के बाद 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. अभी 10 के बाद से क्या हुआ, 1 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, बिकॉज दिस इज 110. वी स्टार्टेड विथ 100, दैट मीन्स 3 डिजिट नंबर हमने स्टार्ट किया. ठीक है ना, 100 मतलब 10 टेंस, 3 डिजिट नंबर हमने स्टार्ट किया तो 10 टेंस, दैट इज जब 10 टेंस में से वी हैव टेकन आउट 1, 1. ठीक है, 1 हमने माइनस किया, दैट मीन्स वी हैव टेकन आउट 1, 1. तो 10 में से 10 टेंस में से 1, 1 हमने माइनस कर लिया तो वी आर लेफ्ट विथ 9 टेंस एंड 9 वंस, तो 99. 99 onwards, 2 digit number start ho gaye. 100 is the, since 100 is the first 3 digit number, so it is the smallest 3 digit number. Jaise 1 first 3 single digit number hai, to 1 is the smallest single digit number and 9 is the last 1 digit number, so 9 jo hai wo largest 1 digit number hai. 9 ke baad 10 aata hai, to 10 is the smallest, smallest isliye kyunki 10 is the first. सबसे पहले 2 डिजिट नंबर्स में 10 आता है, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड सिंस 99 सबसे बाद में आता है तो 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. 99 के बाद जब 100 आता है तो 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, सो 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. 10 तक तो जैसे हम 1, 1, 1, 1 माइनस करते गए, अभी हम 10 तक आ गए. नाउ 10 में से 10, दैट इज ओनली 1 10 इज लेफ्ट नाउ. ठीक है ना, अब हमारे पास सिर्फ एक 10 बचा है. जैसे 20 तक था 20, दैट इज 2 टेंस, तो 2 टेंस में से जब हमने 1, 1 निकाल लिया तो वी आर लेफ्ट विथ 1, 10 एंड 9 वंस. फिर 1 10 8 वंस, 1 10 7 वंस, 1 10 6 वंस, 1 10 5 वंस, 1 10 4 वंस, 1 10 3 वंस, 1 10 2 वंस, 1 10 1 वन. एंड जब 1, 1 निकाल लिया तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 10. अब हमारे पास सिर्फ 1 10 बचा, उसमें से जब हमने 1 निकाल लिया तो नाउ इट इज 9, 8, मतलब यहां से अब सिंगल डिजिट नंबर स्टार्ट हुए, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी 1 में से 1 भी निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 0. वी विल बी लेफ्ट विथ नथिंग, 0. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन यू विल बी अमेज्ड टू नो कि 0 को हम काउंटिंग नंबर्स में नहीं इंक्लूड करते, वी स्टार्ट विथ 1. 1 से पहले 0 आता है, ये तो हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 बर्ड्स ऑन अ ट्री. One bird flew away, two are left. Again, one bird flew away, one is left. And that one bird also flew away. So, no birds are there on the tree now. 0. ठीक है? So, that means the number 0. 0 जो है, वो 1 से पहले आता है. 0 comes before 1. Or we can say 1 comes after 0. So, you will be amazed to know कि 0 से आगे जितने number हैं, 0 से पीछे भी उतने ही number हैं. ठीक है, देर आर अनलिमिटेड नंबर्स आफ्टर 0, देर आर अनलिमिटेड नंबर्स बिफोर 0. ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. अभी हमें 0 से पहले वाले नंबर्स हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, सो दिस इज रिवर्स काउंटिंग, 100 to 1. ठीक है, 100 to 1 ये रिवर्स काउंटिंग.
So I hope children, इसको आप मैं साइड में हो जा रही हूँ. Of course you can write on your own also. I know it. And after this we will start with expanded form. Today I will not start. आज के लिए इतना this much is sufficient for today. So in the next class I will start with expanded form. ठीक है, expanded form हमने पहले भी किया है. अभी हम 51 onwards करेंगे. 51 to 100. We will write the numbers in expanded form. जैसे ही 100 आता है, 3 digit number है, so there are 3 places. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much and have a good day.